डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर बी गुड। आज के इस वीडियो में शेयर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ कि HEC ने USET के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी हदायत नाफज की हैं। अगर स्टूडेंट उन हदायत को नहीं मानते तो स्टूडेंट अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। और वीडियो के आखिर पर मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर भी लेकर आया हूँ जो कि USET के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे HEC की हदायत की। HEC ने जो इंस्ट्रक्शंस की लिस्ट स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया उनमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्टूडेंट USET के टेस्ट के लिए अपनी स्लिप को प्रिंट आउट लेकर आएँ। उनकी स्लिप प्रिंट आउट होनी चाहिए, स्लिप के साथ साथ उनका बे फॉर्म होना चाहिए या उनका ID कार्ड होना चाहिए या उनका पासपोर्ट होना चाहिए। दूसरी इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट कैलकुलेटर नहीं लेकर जा सकते, आपको क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन ऐसे ही हल करना पड़ेगा। तीसरी इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट मास्क वियर करके आएँ और SOPs को फॉलो करें। चौथी इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सुबह 8 बजे से पहले पहले अपने मुतलका सेंटर में पहुँच जाएँ, आपका रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है। पांचवी इंस्ट्रक्शंस, आप क्लिप बोर्ड के साथ साथ ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट साथ लेकर आएँ। इससे आपने ऐसे लिखना है और इसी से ही आपने बबल शीट को फिल करना है। अगर आप फाउंटेन पेन या जेल पॉइंटर या मार्कर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। छठी इंस्ट्रक्शंस, आप मोबाइल फ़ोन साथ ना लेकर आएँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन साथ ले आते हैं तो मोबाइल फ़ोन कहाँ रखना है वो आपने खुद अरेंजमेंट करनी। डियर स्टूडेंट, ये थी छोटी छोटी हदायत। अब बात करते हैं बम्पर ऑफ़र की। ये ऑफ़र सिर्फ USET के स्टूडेंट के लिए है और ये बहुत लिमिटेड ऑफ़र है। चूँकि पाकिस्तान में 12 सितंबर को टेस्ट कंडक्ट हो रहा है USET का, तो इसीलिए मैंने कल 11 सितंबर सुबह 10 बजे बड़ी क्लास का आगाज़ किया है जो कि जूम ऐप के ज़रिए आप लोगों को डिलीवर की जाएगी। इसको किस तरह से आपने ज्वाइन करना है, अपनी रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवानी है इस क्लास के लिए, आपको नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करना होगा। जब आप रब्ता कर लेंगे तो आपको फिर बाकी जो हदायत होगी वो मैं सारी बता दूँगा। तो अगर आप कल 10 बजे की क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, इस क्लास में मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड हाउ टू राइट एन एसे, इन तीनों पोर्शंस पर डिटेल से बात करूंगा और आप लोगों को हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप किस तरह से पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़िर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।